हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग योस्ट SEO प्लगइन की हेल्प से अपने ब्लॉगर पे SEO फ्रेंडली पोस्ट को लिख सकते हैं और अपने किसी भी पोस्ट को गूगल में बहुत ही आसानी से रैंक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक मैं आसानी से पहुँचा सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस के योस्ट SEO प्लगइन की हेल्प से अपने ब्लॉगर की पोस्ट को कैसे हम राइट कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। खासतौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ब्लॉगर का यूज़ करते हैं, जो पर्सनल अपनी होस्टिंग परचेज नहीं कर सकते या फिर नहीं करते हैं किसी भी रीज़न से, और वो ब्लॉगर का यूज़ करते हैं बट क्योंकि ब्लॉगर में कोई ऐसा प्लगइन नहीं है कि जिसकी हेल्प से हम अपनी पोस्ट को इम्प्रूव कर सकें, उसको SEO फ्रेंडली बना सकें। जितने लोग भी ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट लिखते हैं और वो अगर अपने पोस्ट को गूगल पर रैंक कराते हैं तो इसका मतलब वो ब्लॉगर में काफ़ी एक्सपर्ट है और उनको ब्लॉगर की अच्छे से नॉलेज है और उनका SEO का अच्छे से हाथ है, तभी वो लोग ब्लॉगर पे बिना किसी हेल्प किसी टूल के हेल्प के अपने पोस्ट को रैंक करा लेते हैं। बट क्योंकि वर्डप्रेस में काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने पोस्ट को SEO फ्रेंडली बना सकते हैं और गूगल में आराम से इजीली रैंक करा सकते हैं, क्योंकि ये प्लगइन्स हैं जो कि डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं और वो SEO के एल्गोरिथम्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आपकी पोस्ट जो है एकदम SEO फ्रेंडली होती है गूगल के हिसाब से और गूगल में उसको रैंक होने में बहुत ही जल्दी आसानी मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम उस प्लगइन को यूज़ करके अपने ब्लॉगर पे SEO फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हैं। How to use WordPress Yoast SEO plugin in Blogger? Write SEO friendly post with Yoast plugin. अब इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमारे को कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ी बहुत WordPress की नॉलेज होनी चाहिए। अब Yoast SEO plugin को अगर हमारे को यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास या तो अपनी होस्टिंग होनी चाहिए या फिर कोई फ्री होस्टिंग यूज कर रहे हो या फिर अपने ही लैपटॉप को एक लोकल सर्वर बनाकर लोकल होस्ट बना के हम इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वेम्प सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको आता है इंस्टॉल करना, सेटअप करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो मैंने यहाँ वीडियो बना रखी है, आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता चलेगा कि कहाँ से कैसे इसको डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम पर किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करते हैं और वर्डप्रेस को वेम्प सर्वर के अंदर कैसे इंस्टॉल और सेटअप करते हैं, ये पूरी वीडियो मैंने यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल यहाँ बना रखा है। ये 6-7 वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप वेम्प सर्वर को अपने लोकल सिस्टम पे, कंप्यूटर हो या डेस्कटॉप हो, कैसे उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अपना खुद का एक लोकल होस्ट बना सकते हैं। इसको लोकल होस्ट बनाने के बाद आपको इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कैसे इंस्टॉल होता है मैंने यहाँ पर प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड है यहाँ पे। आप अगर चाहें तो वर्डप्रेस भी सीख सकते हैं, यहाँ मैंने वर्डप्रेस के ऊपर कुछ ट्यूटोरियल बना रखे हैं, बट अभी हम क्योंकि वर्डप्रेस सिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा है यूज प्लगइन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेम्प सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है और उसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है। जब सब कुछ आप इंस्टॉल कर लेंगे, सब कुछ आपका रेडी हो जाएगा, तब आपको अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना है और अपने डैशबोर्ड के ऊपर आना है। जब आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे आप एक प्लगइन पे माउस लेके जाएंगे प्लगइन्स पे, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू और एडिटर, आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होगा। ऐड न्यू प्लगइन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पॉपुलर में आप जाएंगे। पॉपुलर में आने के बाद आपको यहाँ पे जो वर्डप्रेस के मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट होंगे। उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है योस्ट SEO प्लगइन, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही अच्छा प्लगइन है SEO परस्पेक्टिव से भी, और काफ़ी सारी आपको SEO के इसमें हिंट मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने पोस्ट को गूगल में आराम से रैंक करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिलियन प्लस इसके इंस्टॉलेशन है, 23,000 प्लस इसके रिव्यू हैं, और जो कि रिव्यू देखिए 5-star रिव्यू हैं, तो यहाँ पे कोई शक वाली या डाउट वाली कोई बात ही नहीं है। ये बहुत ही फेमस SEO प्लगइन टूल है वर्डप्रेस का, जिसकी हेल्प से मोस्टली लोग अपनी वर्डप्रेस की साइट को गूगल में रैंक करा लेते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जाना है पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे हम एक पोस्ट लिखेंगे, एड न्यू। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, मैं अपनी वेबसाइट से ही एक पोस्ट उठा लेता हूँ। अब उस पोस्ट को ही हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने
ये मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में आप आएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। आप यहाँ पे अगर आएंगे ब्लॉगिंग के ऊपर तो देखेंगे यहाँ पे मैंने एक विशिंग वेबसाइट स्क्रिप्ट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि मेरा ये वाला आर्टिकल है और जो कि गूगल में मेरा रैंक भी करता है। और बट क्योंकि मैं इसको अपने आप मैनुअल मैंने इसको राइट किया था, इसमें मैंने कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं ली थी, जो मेरा खुद की स्टडी थी उसके ऊपर ही मैंने पूरा आर्टिकल लिखा था और जो जो मुझे जिस चीज़ की नॉलेज थी वो चीज़ मैंने इसमें यूज़ करी और कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि गूगल में रैंक हो गया था। अभी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर ये मेरा आर्टिकल रैंक करता है गूगल के फर्स्ट पेज पे, कोई किसी भी सेकंड पोजीशन पे, किसी भी फोर्थ पोजीशन पे, किसी भी फिफ्थ पोजीशन पे। तो इन सभी कीवर्ड्स के ऊपर मेरा ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस अपने रैंक हुए आर्टिकल को ही योस्ट में डाल के देखता हूँ, योस्ट प्लगइन में डाल के देखता हूँ कि इसमें वो कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाता है मुझे, क्या इसमें भी कुछ कमी वो निकालता है मेरे लिए। अगर वो इसमें कुछ कमी निकाल सकता तो डेफिनेटली मेरे नॉर्मल आर्टिकल के ऊपर वो अच्छे से इम्प्रूवमेंट मेरी कराएगा, मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएगा कि मुझे अपने इस आर्टिकल में किस किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं अपने इस पूरे पोस्ट को कॉपी कर लेता हूँ फटाफट अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने अपने पूरे जो आर्टिकल था मेरे इस वेबसाइट का, जो मेरा अपना आर्टिकल लिखा हुआ था विशिंग वेबसाइट के ऊपर, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जब आप इस पूरे आर्टिकल को अपने लिख लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे ये योस्ट SEO प्लगइन का आपको इंटरफेस कुछ दिख रहा है इस तरीके से। यहाँ पर रीडेबिलिटी एनालिसिस एंड फोकस कीवर्ड दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आपको ये ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, इसका मतलब कि मेरा जो ये पोस्ट है जो मैंने इसमें आर्टिकल लिखा है वो काफ़ी हद तक SEO फ्रेंडली है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखिए जो कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे को ये ग्रीन 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 सब दिखा रहा है। यहाँ पे ये खाली मुझे एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है वो भी ऑरेंज कलर में है, अगर ये रेड कलर में होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती थी, मगर क्योंकि ये ऑरेंज में है यहाँ पे मुझे इसके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन में दिखा रहा है। मुझे जो काम करना है बेसिकली फोकस कीवर्ड पे काम करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हो सकता है कि आप लोग जब अपने आर्टिकल यहाँ पे लिखें और उसको जब एनालाइज करें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखाई दे, क्योंकि हर एक का अपना अपना टॉपिक होता है तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हम लोग कंटेंट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रिजल्ट शो होंगे। जो जो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होंगी SEO प्रस्पेक्टिव से वो हमें यहाँ पे शो होंगी। तो आपको जो ये एरर दिखाएगा अगर रेड कलर का दिखेगा तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अगर ये थोड़ा ऑरेंज कलर में भी दिख रहा है तो ये चलेगा। यहाँ पे आपका मेन ग्रीन होना चाहिए, अगर यहाँ पे ग्रीन नहीं हो रहा तो आपको इस पर पूरा काम करना पड़ेगा। तो अभी मेरा फ़िलहाल इस पर ग्रीन है तो मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके में ग्रीन नहीं होगा तो आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं फोकस कीवर्ड के ऊपर काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड डालता हूँ जिस कीवर्ड पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पोस्ट है वो रैंक हो। तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो है फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट, अगर कोई लिखे गूगल पे तो मेरी वेबसाइट दिखनी चाहिए, मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, अब देखिए यहाँ पे ग्रीन नहीं आ रहा, इसका मतलब कि मुझे इसमें काम करने की ज़रूरत है। अब यही मैंने जैसे ही डाला तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, ये तो ग्रीन दिखा रहा है 6, 3 इम्प्रूवमेंट और 5 प्रॉब्लम। अब 5 प्रॉब्लम जो है मुझे इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट इससे पहले यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं ये स्निपेट प्रीव्यू है, यहाँ पे इसको आप ज़रा एडिट करेंगे, एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ये कलर बार दिख रहा है रेड कलर का, जो कि हमारे SEO पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ये साइट टाइटल दिखा रहा है ये, और ये सेपरेटर दिखा रहा है ये जो बीच में आ रहा है, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी वजह से मेरा जो टाइटल है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखिए जैसे ही मैंने उसको हटाया ग्रीन हो गया, अब ये SEO पर्सपेक्टिव से मेरा बिल्कुल ठीक टाइटल है जो कि होना चाहिए। अब आप यहाँ स्लग में अगर आएंगे, स्लग हमारा एक तरह से परमालिंक होता है जो कि हमारी वेबसाइट के टाइटल के नीचे जो URL शो होता है हमारी वेबसाइट के साथ वो हमारा स्लग होता है। अब यहाँ मैंने लिखा है हाउ टू मेक अ फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट 2018 फुल गाइड, मुझे इसकी इतनी बड़े उसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं इसको ये फुल गाइड हटा देता हूँ 2018, इतना मेरे लिए इनफ है। हाउ टू मेक अ फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट
और मैं URL भी हटा देता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा जो ये स्लग है, ये URL जो है, ये परमालिंक जो है, ये बिल्कुल सेट है। हाउ टू मेक अ फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ बंद। यहाँ पे मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है, मैं इस मेटा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा काम करूँगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी वेबसाइट के लिए। अब मेरा जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे अपने मेरा ये है, एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, उस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, अपने यहाँ पे वर्डप्रेस पे डाल दिया। देखिए ये ग्रीन नहीं दिखा रहा है, मुझे इसको ग्रीन करना है। तो हाउ टू क्रिएट एन ऑसम फ्री फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट ऑन ब्लॉगर। वायरल फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट स्क्रिप्ट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड वर्ड ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, सो यू डोंट हैव टू वरी। ये इसकी जरूरत नहीं मुझे, सो यू डोंट हैव टू वरी। यहीं पर मेरा ये ख़त्म होता है, मेरे लिए इनफ है। और ये ग्रीन दिखा रहा है, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब आप देखेंगे फोकस कीवर्ड में भी ग्रीन आ गया मेरे इसको काम करने की वजह से। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आ रही है। ये मेरा देखिए काफ़ी हद तक ग्रीन हो चुका है। अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ इन दोनों तीनों चीज़ों को, तब भी मेरे लिए ये SEO प्रोस्पेक्टिव से मेरा ये आर्टिकल अब मैच हो चुका है पूरा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर, नो इमेज अपीयर इन द पेज। मुझे यहाँ पर सिंपल सी बात है, इमेज तो डालनी ही है, वो मैं इमेज वहीं पर ब्लॉगर में ही डाल लूँगा, ब्लॉगर में इमेज मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नो इंटरनल लिंक, यहाँ पे इंटरनल लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कोई इंटरनल लिंक नहीं है इसलिए ऐसे दिख रहा है। द SEO टाइटल कंटेन्स द फोकस कीवर्ड इज जस्ट अपीयर एट द बिगनिंग, ट्राई टू मूव इट फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, अब ये कहना चाहता है हमारे को कि जो मैंने ये जो टाइटल रखा है, इसमें जो मेरा कीवर्ड है फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट, ये थोड़ा बीच में आ रहा है, ये मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में रखना चाहिए, वो SEO पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा रहता है, ये बताना चाहते हैं। बट हम अगर इसको बीच में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रीन शो हो चुका है। बट ये अगर हम स्टार्टिंग में रखेंगे तो उससे थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है हमारे को, इनके हिसाब से जो गूगल का एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने कीवर्ड को स्टार्टिंग में रखते हैं तो उससे हमारे को रैंकिंग में थोड़ी हेल्प मिलती है। तो मेरे यहाँ पे पूरा ग्रीन हो चुका है, मैं चाहूँ तो ये भी मेरा ठीक हो जाएगा वहाँ जाके, ये भी मेरा वहाँ जाके ठीक हो जाएगा जब मैं लिंक दूंगा। टाइटल को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और कोई एरर इसमें है नहीं। तो इसी तरीके से आप जब करेंगे तो आपको भी कुछ अलग अलग एरर दिखेंगे आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, जो आपने जिस हिसाब से कंटेंट राइट कर रखा होगा और जिस हिसाब से आपने कीवर्ड को चूज़ किया होगा। ये सब कुछ होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपने इस पूरे आर्टिकल को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके आप इसको पूरा यहाँ से कंट्रोल लेकर के कॉपी कर सकते हैं। जब आप अब ब्लॉग पे अपने आएंगे, ब्लॉग पे आने के बाद आपको अपने न्यू ब्लॉग पोस्ट पे लिखना है। सिंपली आपको अपने यहाँ से इस कंटेंट को, अब यह हमारा पूरा ग्रीन हो रखा है SEO प्रोस्पेक्टिव से, बिल्कुल हमारा ये आर्टिकल ठीक है, SEO फ्रेंडली है, इसको अगर हम ब्लॉगर में यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारा आर्टिकल रैंक करेगा। अभी इसमें एक चीज़ और है, इसमें भी थोड़ा वर्ड काउंट देखेंगे तो लगभग 470 के आसपास ही हैं, 300 वर्ड तक ये बोलते हैं कि होना चाहिए, मगर आप कम से कम अपना जो वर्ड काउंट है, कम से कम 600, 700, 800, 900, 1000 तक भी लिखें तो आपके गूगल में रैंक होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना आपका कंटेंट होगा, जितने ब्रीफ में, जितना डिटेल में आप चीज़ें बताएंगे, उतनी जल्दी ही आपका जो पोस्ट है वो रैंक करेगा गूगल के अंदर। तो चलिए यहाँ से फटाफट इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉगर पर जाते हैं। ब्लॉगर में जाने के बाद एक न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है। सिंपली आपको अपने HTML में जाना है। HTML में जाने के बाद जो कोड आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे, उस कोड को सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मैंने यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दिया है। अब जो मेरा कोड मैं वहाँ से लेके आया था, यहाँ मेरा पेस्ट हो चुका है। उसको कंपोज में जाके हम देख सकते हैं कि उसका HTML प्रीव्यू किस तरीके से हमारे को दिखाई देगा। इसी तरह से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने पोस्ट में यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसी तरीके से मैं अपना जो मेरा परमा लिंक है इसको यहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ परमा लिंक में डाल देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली अपने अपना आता है, पर मैं भी क्योंकि परमा लिंक वहाँ से लेके आया हूँ, मैं वही यूज़ करूँगा। अब लेबल में मुझे अपने सारे वो कीवर्ड्स डालने हैं
जिन जिन कीवर्ड के ऊपर मैं अपने इस पोस्ट को रैंक कराना चाहता हूँ, तो मुझे लेबल में वो सारे रैंक का यहाँ पे डाल के डन करना है। उसके बाद मेरा जो सर्च डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन मेरा यहाँ पे आएगा, उसको डालने का मुझे यहाँ पे डन करना है। सेकेंडरी यहाँ पे आप देख रहे थे जो एरर दिखा रहा था हमारे को, हमारा योस्ट प्लगइन क्या एरर दिखा रहा था हमारे को कि इसमें इमेज नहीं है और इंटरलिंक नहीं है। दो मेन जो एरर आ रहे थे वो ये थे। अब हमारे को उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को हमारी कमी पता चल चुकी है कि हमारे इस पोस्ट में क्या कमी है। सिंपली अब आपको इस अपने आर्टिकल में इमेज ऐड करनी है। इमेज कैसे ऐड करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम दिस ब्लॉग, मैंने इमेज यहाँ पे डाल रखी है बहुत सारी, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ कोई इमेज। ये रही मेरी एक इमेज, मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया है। अब इसको क्या करना है, इमेज डालने के बाद आपको इसकी प्रॉपर्टी में जो आपका कीवर्ड है, सपोज अगर आप इसको रैंक करा रहे हैं हाउ टू मेक फेस्टिवल विशिंग वेबसाइट, तो अपने इस कीवर्ड को प्रॉपर्टी में जाके सिंपली आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इमेज के साथ आपका ऑल्ट टैग होना बहुत ज़रूरी है एसईओ प्रोस्पेक्टिव से, नहीं तो वो एक एरर है आपके लिए। इमेज ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपके इस पोस्ट को जो भी आपका यूआरएल बनेगा इस वेबसाइट, इस पोस्ट का जो भी आपका यूआरएल बनेगा, आपको अपने इस पोस्ट में उसको लिंक करना है, अपने कीवर्ड के साथ आपको लिंक करना है। कम से कम दो बार ये आपको लिंक करना है, और साथ ही साथ ये लिंक करने के बाद आपको अपने इस पोस्ट से इंटरलिंक भी करना है। इंटरलिंक का मतलब जैसे कि मेरी अगर कोई पोस्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने गूगल एडसेंस ऑल्टरनेटिव के बारे में बताया, तो मेरी एक पोस्ट थी वो जो कि मैंने लिंक कर रखी थी ऑलरेडी पहले से, तो इस तरीके से मुझे अपने उसी पोस्ट में अगर मैंने किसी और पोस्ट के बारे में भी कोई वर्ड यूज़ किया हुआ या कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उसको मुझे अपने दूसरे पोस्ट के साथ लिंक करना है। ये एसईओ प्रोस्पेक्टिव से अच्छा माना जाता है। इससे क्या होता है, आपके जो यूज़र हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टेबल रहते हैं, आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो ठीक रहता है। यूज़र के पास एक इन्फॉर्मेशन मिली, उसने उस इन्फॉर्मेशन से एक नए पोस्ट पे गया, वहाँ पे उसने उस इन्फॉर्मेशन में टाइम निकाला, वहाँ पे वो पढ़ा, उसने रीड किया, तो ये गूगल के हिसाब से, गूगल की नज़र में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं कि अगर यूज़र आपकी साइट पर रुक रहा है तो इसका मतलब आपकी साइट में इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि योस्ट एसईओ प्लगइन बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी होस्टिंग के परचेस किए, आप सिंपली, आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ अपने सिस्टम पे वेब सर्वर इंस्टॉल करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है बस। उसके बाद सारे प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी, पूरी थीम यूज़ कर सकते हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे हम एसईओ की बात कर रहे हैं, हमने योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज़ किया, उसमें हमने चेक किया कि हमारे ब्लॉग में हमने जो पोस्ट लिखी है उसमें क्या एरर थे या क्या बग थे, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे को पूरी हेल्प मिलती है योस्ट एसईओ प्लगइन से, और इसको यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये प्लगइन्स जो हैं ये अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि हम ये जो प्लगइन्स हैं ये अपडेट होते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो ये गूगल के एल्गोरिथम्स के ऊपर पूरा काम करते हैं। गूगल जो जो अपडेट लाता है वो ये लोग पहले अपडेट करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती जो कि हमें इससे पता चलती हैं, ब्लॉगर में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि हमारे को वर्डप्रेस में मिलती हैं, जो कि थोड़ी एडवांस हैं। ब्लॉगर में सब कुछ एडवांस नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं सारी ब्लॉगर के अंदर, मगर अगर कोई ब्लॉगर यूज़ करता है तो वो योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज़ करके अपने ब्लॉगर के पोस्ट को बहुत ही इजीली रैंक करा सकता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था तो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ अपने एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।